बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन। चिकन साफ करने का तरीका। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। चिकन के अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, वन टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चिकन पर लगाएंगे। एक एक बोटी सिरके और अदरक लहसुन के पेस्ट में डिप हो, एक एक बोटी पे लगे, ताकि बोटी के अंदर से जो एक स्मेल आती है चिकन की, एक ख़ास स्मेल होती है, उसे दूर करेगा सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट। और आपने इसको लगा कर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे ज़्यादा ना छोड़िएगा, वरना अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरके के स्मेल जो है कुछ ज़्यादा ही रच बस जाएगी चिकन के अंदर, फिर वो चिकन ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सिर्फ 5 से 10 मिनट तक लगा के छोड़ें। से 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर हम चिकन को अच्छे से साफ़ करेंगे। चिकन के ऊपर जो चर्बी होती है वाइट, वो सेहत के लिए मोज़र सेहत होती है, इसलिए बेहतर ये होगा कि उसे आप अच्छे से साफ़ कर लें। चिकन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चर्बी आप खा लेते हैं, जो आजकल खानों में बीमारियां, चिकन वगैरह और ये सारी चीज़ें खाने के बाद जो बीमारियां आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि बहुत से लोग ये वाइट चर्बी नहीं उतारते और इस समय पका लेते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियाँ, कैंसरस और दूसरी बीमारियाँ, मैदे की बीमारियाँ वो आ रही हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप चिकन के ऊपर से ये वाइट चर्बी लाजमन उतारें, क्योंकि ये मोज़र सेहत होती है, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। हमने चूँकि सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के छोड़ दिया था, तो सिरका इस चर्बी को बआसानी उतारने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से जो है बआसानी जो है ये चर्बी आपकी छुरी से हल्के हाथ से ही उतर जाती है, और ये जो बाकी छीछड़े जो होते हैं ये आसानी से अलहदा हो जाते हैं। आपने अंदर से खून, जमा हुआ खून वगैरह छुरी से भी साफ़ कर लें बोटियों के अंदर। अगर जब आप खाना वाना बनाते हैं तो आप देखते होंगे टिक्का वगैरह जब बनाते हैं तो ये चिकन की बोटियां वगैरह के अंदर से जो है वो एक ब्लड आ रहा होता है। जब आप ये प्रोसेस करते हैं, सिरका और अदरक लहसुन के पेस्ट में 5 से 10 मिनट के लिए भिगो कर रखते हैं चिकन को, तो जो भी आप डिश बनाएंगे उसमें से चिकन के अंदर से ब्लड नहीं निकलेगा और ना ही चिकन की एक ख़ास स्मेल आपको आएगी। जब आप खाने बनाएंगे तो बहुत उम्दा बनेंगे और बहुत लजीज बनेंगे। चिकन को साफ़ करने का बेस्ट तरीका यही है। देखिए व्यूअर्स, हमने चिकन की एक एक बोटी को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसमें से चिकनाई को अलहदा कर लिया है। अब हम चिकन को वॉश करेंगे अच्छे से, ताकि जो सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लगाया था वो सारा साफ़ हो जाए। और ये देखें व्यूअर्स, बहुत अच्छे से हमने इसको वॉश किया है चिकन को, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरके की बिल्कुल स्मेल ना आए, वो वॉश हो जाए। और वॉश होने के बाद हमने इसको एक छन्नी के अंदर जो है रख दिया है, और नीचे कटोरा रखा है, ताकि इसका एक्सेस वाटर जो है वो उसके अंदर चला जाए। और चिकन हमारी अब बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और ये देखें व्यूअर्स, एक एक बॉडी साफ़ सुथरी है, इसमें से चिकनाई का कुछ लेना देना नहीं है।
उम्मीद है अब आपको पता लग गया होगा कि चिकन को किस तरीके से साफ़ किया जाता है और चिकन को साफ़ करना भी किस लिए ज़रूरी है, और आपको चिकन साफ़ करने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसका भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो है आप चिकन के अंदर से जो खाना बनाते हुए ब्लड निकलता है तो वो किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।